यस सर, हाँ जी सर, वो लहंगा ट्राई कर रहे हैं, होपफुली फाइनल हो जाएगा। ओके सर, या नो प्रॉब्लम सर। ओके फाइन सर, आर यू ओके? आई एम सॉरी, कैन यू टेल मी वेयर इज रूम नंबर 201? यहाँ से फर्स्ट ऑन राइट। थैंक्स। इतनी गर्मी में मफलर और हुडी पहन के कौन घूमता है? बड़ा ही अजीब बंदा। समीर, वेट अम्मा, मैं देखती हूँ। एक्सक्यूज मी, कौन? हाँ, क्या लगता है नूपुर किस लिए? मैंने उससे इंफॉर्मेशन निकलवाई और मुझे पता चला कि तुम्हारी अम्मा इस हॉस्पिटल में एडमिटेड है, सो आई केम। तुम मुझसे मिलने आए हो, दैट्स सो स्वीट, प्लीज बैठो ना, प्लीज। हाँ वो तो मिलना ही था, लेकिन मेरे आने का रीजन कुछ और है। एक्चुअली आई केम टू इन्फॉर्म के मैं आप लोगों का शूट नहीं कर सकता, सॉरी। शूट क्यों नहीं कर पाओगे? बिकॉज़ वो जो दूसरी कंपनी है, उन्होंने मेरे एक्सक्लूसिव राइट्स लेने का डिसीजन लिया एंड वो मुझे डबल पे कर रहे हैं। सो ऑब्वियसली, एंड हां, आफ्टर दैट शूट आई एम गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर माय कॉन्सर्ट, तो मैं आपका शूट नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। नहीं नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। तुमने मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, कोई कंपनी तुम्हें डबल पैसा देगी, तुम कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना ब्रीच करोगे उसके लिए। प्लीज, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, एंड आफ्टर ऑल इट्स बिजनेस। और हमारे कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज था जिसकी वजह से मैं ये शूट बैक आउट कर सकता हूँ। And by the way, वो कंपनी हमारी कंपनी को डबल पे कर रही है। So sorry, I can't do your shoot. रुहान, what do you mean you can't do it? कौन लोग हैं वो? हमें उनका नाम बताओ, नंबर बताओ, we'll talk to them. You cannot do this to us, रुहान. रुहान, रुहान, कौन लोग हैं वो? बताओ. ठीक है आलिया, तुम पता करके बताओ कि मुझे कि वो इंसान कौन है जिसने रुहान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, क्योंकि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा तो नहीं होने दूंगी, उससे मिलूंगी मैं। ओह नो, मेरा प्लान तो उल्टा पड़ रहा है। मुझे लगा था इस बात को सुनकर इशिता वापस चली जाएंगी, लेकिन अब तो इन्हें पापा से मिलना है। रिलैक्स रिलैक्स, आपको उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं, मैं बात करूंगा, आई विल हैंडल। आप रेस्ट कीजिए, गेट वेल सून, टेक केयर। कौन है ये बकवास आदमी? How dare he do this? अम्मा प्लीज आप रिलैक्स कीजिए। I cannot relax. आप इतनी टेंशन मत लीजिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। I'll find out. Perfect. लेगे की फिटिंग ना बिल्कुल ठीक है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। आई जस्ट लव दिस लहंगा। अच्छा सुनो ना, अब ना तुम रोमी के लिए भी कुछ अच्छा सा सिलेक्ट कर लेना। Yeah, sure. And thank God कि आपको लहंगा पसंद आया। No, no, thank you. अच्छा सुनो, ये लहंगा मैं रख लूं, मुझे इसे अपनी दोस्त को दिखाना है। Definitely. मैं इसकी पूरी पेमेंट डिजाइनर को कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू, थैंक यू। यस सर, सर वो लहंगा फाइनल हो गया, बस आपके कपड़े बचे। हाँ जी, वो डेकोरेशन के प्लान्स मैं आपको कुछ मेल कर देता हूँ, वो मैम ने शॉर्टलिस्ट किए। ओके सर, हाँ मैं अभी दिखा देता हूँ। ओके, थैंक यू मिस्टर भल्ला, थैंक यू। ओफो, अब चाचू ने ब्रांड के ऑप्शन बेचे और मेरे को अभी मी का चिट्ठी को दिखाने। वापस जाऊंगा तो वापस से गुस्सा हो जाएंगे, जाना तो पड़ेगा। I'm really sorry. Thanks. Hello. Hello, Ruhan. Sorry, wrong number. Shit. एक सेकंड, शायद हमारा फोन एक्सचेंज हो गया। क्या? Excuse me. Hello. Ruhan. Wait.
आप रूहान हो ना? वो अभी जब हम गलती से टकराए तो हमारा फोन शायद एक्सचेंज हो गया है. ये आपका फोन है और वो मेरा फोन है. सो आई एम सो सॉरी. इट्स ओके. थैंक्स. थैंक यू. अजीब सा लग रहा है. आज दो बार टकरा चुका हूं इसी बंदे से. शवन, शवन ये क्या कर रहा है? व्हाट आर यू डूइंग? शवु, शवु लिसन टू मी. नहीं सुननी है. शवु, व्हाई आर यू डूइंग दिस बेटा? टेल मी क्या हुआ? बेटा, मैं आपको बेटा नहीं हूं. मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है. प्लीज शवु. श्रावु, क्या ये सब? हाँ, this is not acceptable, श्रावु. और तुम अप्पा की बात क्यों नहीं सुन रहे हो? नहीं, मुझे किसी बात नहीं सुननी है. और आप लोग मेरी लाइफ को कंट्रोल करने में क्यों लगे हो? प्लीज, मैं किसी बात नहीं सुननी, प्लीज. पर ऐसा हुआ क्या है? पहले बताओ तो सही क्या हुआ है. बंधु, मैं बताता हूँ तुम्हें भी क्या हुआ. ये क्या बोलेगी? मैं बोलता हूँ. इन्होंने मेरे क्लासमेट को फोन किया था. विक्की बोलो मुझे पास में खेलने के लिए बोला है. मैं तो लूजर हूँ ना, मेरा कोई फील नहीं है. इसे मेरे अप्पा को सिफारिश करनी पड़ती है. है ना अप्पा? है ना? और वो लोग मेरे से खेलना भी नहीं चाहते. और क्या हुआ? सब ने मेरा मजाक उड़ाया. ये चले रहा पापा. हाँ ना, ये चले रहे. बाला, क्यों किया तुमने ऐसा? मैंने तुम्हें कहा था कि श्रवु हैंडल कर लेगा अपनी सिचुएशन. फिर क्यों इंटरफेयर कर रहे हो तुम? कैसे करेगा ये हैंडल? पूरा दिन तो यहाँ पर लैपटॉप के सामने बैठा रहता है. कैसे बनेंगे इसके फ्रेंड्स? और कल तुम ही कह रही थी ना मुझसे कि पूरा दिन फ्रेंड्स बुक पर बैठकर चैटिंग करता रहता है अपने फ्रेंड्स के साथ. अरे, मैंने एक इनिशिएटिव लेने की कोशिश की ताकि अपने फ्रेंड्स से मिलेगा, उन लोगों के साथ खेलेगा, थोड़ा मिक्सअप होगा. लेकिन नहीं, वहां पे भी ये उन लोगों से झगड़ा करके आ गया. अब तुम बताओ कि ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी मत करो. और जब वो लोग इसकी इंसल्ट कर रहे थे तब तुमने क्यों कुछ नहीं कहा? हाँ बंधु, ये जो कुछ भी हो रहा है इसका जिम्मेदार तुम मुझे समझ रही हो ना? बाला, तुम्हें क्या जरूरत थी उसके फ्रेंड्स को कॉल करने की? बस कीजिए दोनों. तुम बस करो शवु, बैठ जाओ आराम से. मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो लोग इसकी इंसल्ट क्यों कर रहे थे. तुम्हें पता है ये अपने फ्रेंड्स को क्या बोलता है? इसने उनसे झूठ बोला कि एक्ट्रेस आलिया भट्ट इसकी फ्रेंड लिस्ट में है एंड ये रेगुलर बेसिस पर उसे चैटिंग करता है. अब तुम बताओ, ये अगर इस तरह की बातें करेगा तो लोग इसका मजाक नहीं उड़ाएंगे तो क्या करेंगे? आलिया भट्ट? रियली श्रवु, तुमने उन्हें ऐसा कहा कि आलिया भट्ट तुम्हारी फ्रेंड है? तुम कुछ भी बोलोगे क्या? श्रवु, मेरा वो मतलब मैं जब से आई हूँ एक के बाद एक आर्गुमेंट हो रहा है. आई डोंट अंडरस्टैंड कि शवु के साथ कैसे डील करूं मैं. डोंट वरी बंधु, इस एज में शायद सभी बच्चे ऐसे गलतियां करते हैं. बंधु, मुझे लगता है कहीं हम लोग गलत तो नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि शवु झूठ ना बोल रहा हो? बंधु, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई इंसान आलिया भट्ट का फेक प्रोफाइल बनाकर हमारे शवु के साथ चैटिंग कर रहा हो, उसे फूल बना रहा हो. And our Shavu is too innocent to understand that. हाँ, से बात तो करनी होगी. बंधु, this is not the right time. Shavu अभी बहुत गुस्से में. अभी हम लोग उससे कोई बात नहीं करेंगे. Really worried, Bala. I'm really worried for Shavu. Don't worry, Bala. सब ठीक हो जाएगा. बहुत pretty लहंगा ये. यार अम्मा मानी कैसे? मैंने बोला नहीं कि तुम कांजीवरम साड़ी पहनो. नहीं अक्का, वो क्या है ना, आजकल वक्त बदल गया है. आपको पता है आजकल सारी साउथ इंडियन ब्राइड्स है ना, सब लहंगा पहनने लग गई है. Nice. Very pretty. बहुत अच्छा है. मुझे ना ये आलिया को दिखाना है. उसे पसंद आया, मतलब ये सच में बहुत अच्छा है. है कहाँ वैसे वो? वो गई थी कुछ सामान वामान लेकर आ रही होगी. आई थिंक आलिया है ये. उसे इसे दिखाती हूँ. Thank you.
हाय, आप किसी से मिलना चाहते हो? मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूं मैं मां। तुझे सब है पता, मेरी मां। ये मेरा वेडिंग प्लानर है। हाँ, वो कुछ जरूरी डिस्कस करना था ना, तो यही आ गया। हम बाहर जाके डिस्कस करते हैं। अरे, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं बिजी हूँ। चलो चलो बाहर चलते हैं। नो मीता, इट्स ओके, तुम लोग यहाँ भी डिस्कस कर सकते हो। रियली, इनफैक्ट I would like to give you one compliment. आप ही सब कुछ अरेंज कर रहे हो ना इसके लिए? इतने यंग एज में आप इतना अच्छा काम कर रहे हो। I really love this lehenga. ये भी आपने अरेंज करवाया होगा, right? It's very pretty, very good. भगवान करे आप बहुत तरक्की करो। अका, हम अभी आते हैं। चलो 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 बाहर चलो ना, बाहर चल के डिस्कस करते हैं। देखो आदि, मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ, ठीक है? लेकिन तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे, किसी से भी नहीं। आदि आदि, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? आदि, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। रेशमा, मेरी रेशमा जिंदा है। वो मेरी रेशमा थी ना, वो मेरी रेशमा है ना। मेरी रेशमा जिंदा है, उन्होंने मुझे पहचाना। आदि, आदि, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। आदि, आपने ऐसा क्यों किया चिट्टी? आपको पता था ना रेशमा जिंदा है, पर आपने क्यों नहीं बताया? आपको दिखाई नहीं देता कि उनके बिना सबका क्या हाल हो रहा है? इतनी बड़ी बात आप कैसे छुपा सकती हो? आपको बता देना चाहिए था ना, फिर क्यों नहीं बताया? क्यों? बस बस बहुत हो गया, बहुत बोल लिए तुम। अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, बस मेरी बात सुनोगे। मुझे नहीं पता था कि अक्का जिंदा है। आदि, I swear मुझे नहीं पता था। मुझे अभी दो दिन पहले पता चला है। मैं मुंबई रमन जीजू को देखने के लिए आई थी, और यहाँ आई तो मुझे अक्का दिख गई। तुम जानते हो, अक्का और जीजू दोनों एक ही फ्लाइट पर थे, और अक्का को तो गोली भी लग गई थी। आपको दो दिन पहले पता चल गया था, फिर भी आपने मुझे नहीं बताया? हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले कि वो जिंदा है। क्या? वो हम सबसे दूर रहना चाहती है? आदि, आदि ऐसा नहीं है। तुम्हें पता है, अक्का अपने आप को आज भी रूही की मौत का जिम्मेदार मानती है। वो आज भी बहुत गिल्टी फील करती है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी वजह से पूरे परिवार को इतना दुख झेलना पड़ रहा है। इसीलिए इसीलिए वो नहीं चाहती कि किसी को भी इस बात का पता चले। आदि, आई थिंक कि हमें अक्का को थोड़ा और वक्त देना चाहिए।
नहीं, ये सही नहीं है चिट्टी। आपको नहीं लगता कि सबको पता चलना चाहिए कि ईशिमा जिंदा है? ताता, पार्टी, मैं पापा और पीहू, पीहू तो उनकी बेटी है। क्या उसे कोई हक नहीं अपनी माँ से मिलने का? क्या उसे नहीं पता चलना चाहिए कि उसकी असली माँ कौन है? नहीं आदि, ये अक्का का डिसीजन है। और तुम्हें क्या लगता है कि मैंने अक्का को मनाने की कोशिश नहीं की? मैंने बहुत कोशिश की। देखो आदि, अक्का ने मुझसे वादा लिया कि ये बात मैं किसी से नहीं कहूंगी। आदि, तुम्हें अपनी इशिमा की कसम, तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे। नहीं आदि, मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात किसी से नहीं कहोगे। ओके फाइन, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगा, पर प्लीज मुझे एक बार ऋषिमा से मिलना। आदि, मुझे उन्हें बहुत अच्छे से देखना, प्लीज सिर्फ एक बार, प्लीज। So sorry. मेरी नींद लग गई थी। I'm sorry. Are you okay? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। नहीं, वो actually इस रूम से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मेरी मॉम भी इसी रूम में एडमिट थी। ओह, कैसी है वो अभी? How is she? अच्छी हूँ, लेकिन अब वो मेरे साथ नहीं है। अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारा साथ छोड़ के चली गई। दूर है वो तुमसे, लेकिन तुम हमेशा उसके साथ हो। कितना भी दूर तुम्हारी माँ तुमसे रहे ना, तुम हर पल तुम्हारी माँ के ख्यालों में होगे। तो तुम तुम्हारी माँ से दूर नहीं हो, ना वो तुमसे दूर है। मुझे भी यही लगता है। मैं चाहता हूँ कि वो जहाँ कहीं भी हो, वो हमेशा खुश रहे। लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ रहेंगी ना? हमेशा, और उतना काफी भी है। वो भी तुम्हें बहुत याद करती होंगी। अब ओके, थैंक्स कि तुम आए। अब तुम जाओ और लोकेशन की पिक्चर्स मुझे मेल कर देना। हाँ, गेट विल सून ना। You take care. Yes. हमारा आदि भी इतना ही बड़ा हो गया होगा ना, उसे बहुत मिस करती हूँ। काश एक बार उसको देख पाती, कैसा होगा।
केमिस्ट्री टू इशिमा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।